छत्तीसगढ़ बीजापुर मध्य तर्रेम इत्याख्ये अरण्ये आरक्षिणां नक्सलीनां च मध्ये ह्यः संघर्ष दुरापन्नः। अस्मिन् संघर्षे पंचभटाः वीरतां गताः, पंचत्रिंशत् अन्ये च व्रणिताः सूच्यन्ते। प्रधानमन्त्रिणा नरेन्द्र मोदिना प्रोक्तं यत् वीरभटानां बलिदानं व्यर्थं न गमिष्यति। तमिलनाडु केरल पुदुच्चेरी चेति राज्येषु अप्रैल षष्ठ्यां समायोज्यमानाय निर्वाचनाय प्रचाराभियानस्य अवसान दिवसः अद्य। विभिन्न राजनीतिक दलानि मतदातृ जनान् स्वपक्षे कर्तुं लोक लोभनीयाः जनसभाः समाचरन्ति। समस्तेपि देशे साम्प्रतं यावत् कोविड महामार्याः सूच्यौषधं चतुष्पञ्चाशदुत्तर त्रिशल्लक्षाधिक सप्तकोटि मितेभ्यः लाभार्थिभ्यः वितरितमस्ति। पुणे नगरे अद्यारभ्य सप्त दिनानि यावत् रात्रि संचार रोधादेशः प्रवर्तितः। बिहार प्रशासनेन अप्रैल एकादशीं यावत् विद्यालयानां महाविद्यालयानां च पिधानम् आदिष्टम्। केन्द्रीय स्वास्थ्य मन्त्री डॉ हर्षवर्धनः ऐषमः राष्ट्रिय असाध्य रोग नीतिम् अभिस्वीकृतवान्। अमुना स्वीकृतिरियं मार्च त्रिंश्यां प्रदत्ता। इयं नीतिः केन्द्रीय स्वास्थ्य परिवार कल्याण मन्त्रालयस्य वेबफलके विलोपितुं शक्यते। निखिले विश्वे कोरोना संक्रमणस्य प्रकरणानां संख्या समेधते। बांग्लादेशेन कोविड कारणेन सोमवासरात् देशव्यापी भीतिकरणस्य घोषणा कृता। तुर्की देशे एकस्मिन्नेव दिने द्विचत्वारिंशत् सहस्राधिक कोरोना प्रकरणानि पुष्टिं गतानि। विश्वस्मिन्नपि विश्वे अद्य क्रैस्त मतावलम्बिभिः ईस्टर पर्व आमान्यते। मान्यता वर्तते यत् अद्यैव ईसा मसीह पुनरुज्जीवितः अभूत्। अद्य जनाः गिरिजा गृहेषु एकत्रीभूय प्रभु यीशुं स्मरन्ति। अभिवादे, अहम् अस्मिरिचा, अत्र भवतां भवतीनां च स्वागतम्। डीडी न्यूज वार्ता प्रसारणेऽस्मिन् अथ वार्ताः। छत्तीसगढ़स्य बीजापुर मध्ये तरेम इत्याख्ये अरण्ये आरक्षिणां नक्सलीनां च मध्ये ह्यः संजात संघर्षे पंचभटाः वीरतां गताः सूच्यन्ते। वीरतां गतेषु डीआरजी भटाः, सीआरपीएफ भटाश्च सम्मिलिताः सन्ति। तत्रैव भटैः नक्सली द्वयमपि मारितमस्ति। नक्सली द्वयस्य चापि शवौ अधिगतौ स्तः। राज्यस्य गृहमन्त्री ताम्रध्वज साहू पंचभटानां वीरगतेः पुष्टिमपि कृतवान्। सूचनानुसारेण झीरम इति मुख्य षड्यंत्रकारिणः नक्सलदलेन साकं भटानां शस्त्राशस्त्रि जातमासीत्। डीआरजी भटाः, सीआरपीएफ भटाश्च यदा अन्वेषणाभियाने निरताः आसन् तदा एव नक्सलिभिः साकं तेषां संघर्षः दुरापन्नः। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी घटनायां शोकं प्रकटितवान्। अमुना प्रोक्तं यत् मदीयः संवेदनाः छत्तीसगढ़े नक्सलिभिः साकं संजात संघर्षे वीरताङ्गतानां वीरभटानां परिवारैः साकं सन्ति। वीरभटानां बलिदानं न कदापि विस्मारयितुं शक्यते। व्रणितानां शीघ्र स्वास्थ्य लाभस्य कामनां करोमि। चतुर्षु राज्येषु केन्द्रशासित प्रदेशे पुदुचेर्यां च विधानसभा निर्वाचन प्रचारः पराकाष्ठां भजते। विभिन्न राजनीतिक दलानि मतदातृ जनान् स्वपक्षे कर्तुं लोक लोभनीयाः जनसभाः समाचरन्ति। गृहं गृहं गत्वा मतदातृ जनैः साकं सम्पर्कं साधयन्ति। पश्चिम बंगाले विधानसभायाः तृतीय चरणस्य कृते निर्वाचन प्रचारः सजवं विधीयन्ते। विभिन्न दलानां दिग्गज नेतारः प्रामुख प्रचारकाश्च जनसभाः कुर्वन्तो वर्तन्ते। तृतीय चरणस्य मतदानं अप्रैल षष्ठ्यां भविष्यति। अस्मिन् अवसरे हुगली हावड़ा दक्षिण चतुर्विंशति परगना चेति जनपदानां एकत्रिंशत् विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रेषु मतदानानि आयोक्ष्यन्ते। राज्ये निर्वाचन सज्जता सजवं प्रचलति। मतदाने पारदर्शितां सुनिश्चेतुं सर्वेषु मतदान केन्द्रेषु वेबकास्टिंग इत्यस्य व्यवस्थापि करिष्यते। प्राविधिक समस्या युतेषु स्थानेषु सीसीटीवी यंत्राणि प्रयुक्तानि सन्ति। संवेदनशील मतदान केन्द्रेषु केन्द्रीय बलानि पर्यवेक्षकाश्च नियुक्तानि सन्ति। कोविड महामारी कारणेन राज्ये समधिकानि मतदान केन्द्राणि स्थापितानि सन्ति। चतुश्चत्रिंशदुत्तर द्विशत विधानसभासनात्मके तमिलनाडु राज्ये निर्वाचन प्रचारः चरमावस्थायां वर्तते। विभिन्न दलानां नेतारौ राज्यस्य यात्राः कुर्वन्ति।
अप्रैल षष्ठ्याम् एकस्मिन्नेव चरणे समायोज्यमाने मतदाने आहत्य अष्टनवत्योत्तर नवशताधिक त्रिसहस्रमिताः प्रत्याशिनः निर्वाचन समरांगणे समतीर्णाः सन्ति। प्रधानमन्त्रिणा श्रीमोदिना असमस्य तामुलपुरे पश्चिम बंगालस्य तारकेश्वरे सोनारपुरे च जनसभाः सम्बोधिताः। कांग्रेसम् आक्षेपयता प्रधानमन्त्रिणा प्रोक्तं यत् असमे पुनरेकवारं भाजपेति दलस्य सर्वकारः सुनिश्चितः। असम की पहचान का बार बार अपमान करने वाले लोग असम के लोगों को बर्दाश्त नहीं है। असमों को दशकों तक हिंसा और अस्थिरता देने वाले अब असम के लोगों को एक पल भी स्वीकार नहीं है। ये साफ दिखता है असम के लोग विकास के साथ है, असम के लोग स्थिरता के साथ है, असम के लोग शांति भाईचारा सद्भाव एकता के साथ है। असमस्य पश्चात् प्रधानमन्त्री पश्चिम बंगालस्य हुगली सोनारपुरयोः जनसभाः सम्बोधितवान्। पश्चिम बंगाले च ममता बनर्जी सर्वकारस्य विषये उक्तं यत् विगत द्विचरणात्मकस्य मतदानद्वारा स्पष्टं जातं यत् जनाः परिवर्तनं वाञ्छन्ति। श्रीमोदिना तत्र स्वसर्वकारस्य उपलब्धयः उपवर्णिताः। दीदी तृणमूल कुल नहीं बंगाल के लोगों के लिए शूल है, शूल बंगाल को असहनीय पीड़ा देने वाला शूल है तृणमूल, बंगाल को रक्त रंजित करने वाला शूल है तृणमूल, बंगाल के साथ अन्याय करने वाला शूल है तृणमूल। केन्द्रीय मंत्री डॉ जितेन्द्र सिंह प्रत्यपादयत् यत् प्रधानमंत्री मोदी पूर्वोत्तर राज्येषु सर्वाधिक यात्रारतः प्रधानमंत्री अस्ति। तस्य एक्ट ईस्ट इति नीति कारणेन एव असम राज्यं विकासस्य पथे सजवं अग्रे सरति। गुवाहाट्याम् अस्माकं वार्ताहरेण विशाल बैरिस्टो इत्यमुना साकं विशिष्ट साक्षात्कार संवादे केन्द्रीय मंत्री डॉ जितेन्द्र सिंह प्रोक्तवान् यत् पूर्वोत्तर राज्याणां कृते प्रधानमन्त्रिणः विकास दृष्टि कारणेन असमे भाजपा पक्षे मतवायु लहरी प्रवातीव भाति। 22 साल में सत्ता में रहने के बाद भी जहां कहीं ना कहीं छोटी बड़ी मात्रा में एंटी इनक्यूमेंसी आ जाता है, इस बार भारतीय जनता पार्टी असम में चुनाव में उतरी है और दिवेश प्रो इनक्यूमेंसी, क्योंकि लोगों ने मन बनाया कि ये जो व्यवस्था बनी है केंद्र में मोदी जी की सरकार और असम में मोदी जी के ही दल की सरकार, तो जिस तरह के समन्वय से उन्हें वो लाभार्थी रहे हैं 5 साल, और जो 65 वर्ष में हो सकता था नहीं हुआ, उन्होंने देखा कि 5 वर्ष में होता हुआ उन्हें नजर आया। उनको लगता है कि उनका अपना भविष्य, उनके बच्चों का भविष्य, आने वाली नस्लों का भविष्य इसी व्यवस्था, इसी डिस्पेंसेशन में सुरक्षित है। असमे निर्वाचन स्पर्धायाः अवसानात् प्रागेव भाजपा दलेन विजयस्य घोषणा कृता। प्रदेशे तृतीयस्य अवसान चरणस्य च निर्वाचनं च अप्रैल षष्ठ्याम् अस्ति। परं मुख्यमंत्री सर्बानन्द सोनोवालः बहुमतपूर्वकं भाजपा दलस्य विजयं घोषितवान् अस्ति। 5 साल के अंदर हमने जो काम किया उसी हिसाब से हमको फर्स्ट पोजीशन ही हमको मिलना चाहिए, क्योंकि बीजेपी ने फर्स्ट पोजीशन मिलने का ही काम किया, क्योंकि लोगों का दिल जीता, लोगों के लिए जो इंसाफ देना चाहिए था वो इंसाफ हम दे पाए कर्मभूमि पर, लोगों को इज्जत से जीने का मौका दिया, लोगों को अपने अधिकार भुग करने का, अपने अधिकार हासिल करने के लिए मौका दिया, और सबसे बड़ी बात है शांति व्यवस्था को हमने मजबूत किया। तो लोगों का जीवन में जो मूल चीज सही है सारी चीज को हमने विशेष रूप से ध्यान दिया, मान्यता दिया, जिसकी वजह से आज असम के अंदर आप देखिए यहाँ कहीं भी जाइए देन विल डिस्कवर द ट्रूथ।
समस्तेपि देशे साम्प्रतं यावत् कोविड महामार्याः सूच्यौषधं चतुष्पञ्चाशदुत्तर त्रिषल्लक्षाधिक सप्तकोटिमितेभ्यः लाभार्थिभ्यः वितरितमस्ति। विगत रात्रौ अष्टवादनं यावत् त्रयोदशलक्षमितेभ्यः लाभार्थिभ्यः जनेभ्यः सूच्यौषधमस्ति वितरितम्। अत्रांतरे विगत चतुर्विंशति होरासु देशे चतुश्चत्वारिंशत् सहस्र तोपि अधिकाः कोविड संक्रमित रोगिणः उपचारानन्तरं चिकित्सालयतः विमोचिताः सन्ति। मन्त्रालयेन प्रोच्यते यत् पञ्चदशलक्षाधिक एककोटितोप्यधिकाः रोगिणः संक्रमणानन्तरं स्वस्थीभूताः सन्ति। भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषदा ICMR इत्यनया प्रोच्यते यत् विगत चतुर्विंशति होरासु विभिन्न कोविड प्रयोगशालासु षट्चत्वारिंशत् सहस्रोत्तर दशलक्षतोप्यधिकानि परीक्षणानि विहितानि सन्ति। अत्रांतरे पुनः समेधानं कोविड संक्रमणं निध्याय पुणे नगरे अद्यारभ्य सप्तदिनानि यावत् रात्रि संचार रोधादेशः प्रवर्तितः। बिहार प्रशासनेन अप्रैल एकादशीं यावत् विद्यालयानां महाविद्यालयानां च पिधानं आदिष्टम्। केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉ हर्षवर्धनः ऐषमो राष्ट्रिय असाध्य रोग नीतिम् अभिस्वीकृतवान्। अमुना स्वीकृतिरियं मार्च 30 प्रदत्ता। इयं नीतिः केन्द्रीय स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्रालयस्य वेब फलके विलोकितुं शक्यते। ध्यानास्पदम् अस्ति यत् विभिन्न पक्षकाराः विगत कतिपय समयतः असाध्य रोगाणां प्रबन्धन सुरक्षार्थं एकां व्यापक नीतिम् अभियाचयन्तः आसन्। विभिन्न पक्षकारैः विशेषज्ञ जनैश्च साकं परामर्श मन्त्रणानन्तरं नीतिरियं अन्तिमत्वेन प्रारूपिता आसीत्। अस्याः नीतेः उद्देश्यः असाध्य रोगाणाम् उपचार मूल्यस्य न्यूनीकरणम् अस्ति। सहैव एतद्विषये राष्ट्रिय शोध समेधनम् अपि अस्ति। एतत् सम्बद्ध औषधोत्पादनं स्थानीय स्तरेपि कर्तुं पारयिष्यते। अस्याम् नीतौ एकस्याः राष्ट्रिय पञ्जिकायाः विनिर्माणस्य प्रावधानमपि कृतमस्ति। विश्वस्मिन्नपि विश्वे अद्य ईस्टर पर्व आमान्यते। मान्यता वर्तते यद् अद्यैव ईसा मसीह पुनरुज्जीवितः अभूत्। अद्य जनाः गिरिजा गृहेषु एकत्रीभूय प्रभुं यीशुं स्मरन्ति। अवसरेऽस्मिन् विशेष प्रार्थना सभाः समायोज्यन्ते। गोवायाः गिरिजा गृहेष्वपि गतरात्रौ उल्लासपूर्वकं ईस्टरं समायोजितम्। राष्ट्रपतिना रामनाथ कोविंदेन देशवासिभ्यः ईस्टर पर्वणः शुभकामनाः प्रदत्ताः। कोरोना संक्रमणस्य प्रकरणानां संख्या समेधते। बांग्लादेशेन कोविड कारणेन सोमवासरात् देशव्यापी पिहितीकरणस्य घोषणा कृता। अपि च बांग्लादेश सर्वकारस्य मन्त्रिणा औबुद्दुल कादिरेण स्वास्थ्य दिङ्निर्देशाः अनुपालनाय जनाः अध्यर्थिताः। तुर्की देशे अपि कोविड प्रकरणानि वर्धमानानि सन्ति। अत्र एकस्मिन् एव दिने द्विचत्वारिंशत् सहस्राधिक कोरोना प्रकरणानि पुष्टिं गतानि। अत्रापि नैकेषु प्रान्तेषु सप्ताहान्ते पिधानस्य निर्णयः अभिस्वीकृतः। प्रिय प्रेक्षकाः, वार्तावली इति संस्कृत साप्ताहिक पत्रिकायाः पुनः प्रसारणम् अस्याः वार्तायाः अवसानानन्तरं सार्धसप्तवादने भविष्यति। तर्हि न विस्मरन्तु विलोकितुम्। कुम्भमेलायाः पुरातनत्वं नूतनत्वं च पुरातनदृशा नूतनदृशा च सप्रमाणं प्रादर्शिषाताम् इत्येतदत्र वैशिष्ट्यमस्ति। अन्ततः एवरग्रीन् इत्येतस्य समवायस्य एवरगिवेन् इत्याख्यः जलपोतविशेषः अयं स्थितिरोधं न्यकृत्य परिचालनाय सम्भूतः सज्जः। वार्ता संस्करणमेतत् सम्पद्यते। धुना अभिनव वार्ताभिः सह पुनः उपस्थास्यामः। भूयात् तावत् मङ्गलम्।